गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास, हाउ आर यू? फाइन, गुड। तो बेटा अब हम करेंगे मैथ का 13 चैप्टर। कौन सा था चैप्टर कह रहे? 13 एरिया एंड वॉल्यूम। कौन सी एक्सरसाइज आ? 13.2। कल कहाँ तक सम किए थे? 3rd तक। आज सम करेंगे 4th। सभी अपनी अपनी नोटबुक और मैथ बुक को ओपन करें जल्दी से और फॉर सम की स्टेटमेंट पढ़ें। स्टेटमेंट है फॉर सम की, ई पेन स्टैंड मेड ऑफ वुडन, इट इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन ऑफ होल पेन। The dimension of cuboid are 15 cm, 10 cm, 3.5 cm. The radius of each depression is 0.5 cm and depth 1.4 cm. Find the volume of wood is in entire stand. आपके पास एक वुडन में दे रखे हैं और उसमें 4 पेन जो है वो आपको स्टैंड बना रखे हैं कोनिकल। कौन से बना रखे हैं? कोनिकल के। कोनिकल इसके अंदर आपको पेन रखते हो। जो इसके अंदर हम पेन अरा, ठीक है, तो आपको क्यूबॉइड की एल बी और एच दे रखा। हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना एल इंटू बी इंटू एच। फिर हमने कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, इसमें आर और आपको एच दे रखा है और उनके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया। वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ फोर कोन, ये 1, 2, 3, 4, ठीक है, इन तीनों को माइनस। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ कितनी दे रखी आपको? 15। ब्रेथ 10 और हाइट 3.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम एल बी एच 15, 10, 3.5। सभी को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। सभी मल्टीप्लाई करें, जीरो कट कर देना, कितना आएगा? 5 to 5 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कोन और हाइट, रेडियस कितना दे रखा आपको? 0.5, 1.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या फार्मूला होता है? 1/3 π
पाई आर स्क्वायर एच, 1/3, 22/7, 5/10, 5/10, 15/10. करो इसको सॉल्व। सभी करें इनको सॉल्व। वन पॉइंट फोर देखो कितना आ रहा है, 11/30। ये था आपका वन का वॉल्यूम ऑफ फोर कोन। कटिंग भी कर सकते हैं इसकी 22/15। कितना जगह कटिंग करके 22/15 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वुड क्यूब बाय और कौन को प्लस है तो बाय कितना 525 प्लस 22 सॉरी माइनस 22/15। चाहे इनको पॉइंटों में भी कर सकते हो, ठीक है 15/1 5 माइनस कर सकते, आंसर आपका आ जाएगा 523.5 सेंटीमीटर। चाहे इनको पॉइंटों में लाके भी हम शो कर सकते 1.5 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है तो आपका आंसर आ जाएगा 525.5। जल्दी से अपने अपनी नोटबुक पे करें। जल्दी करें सभी। गुड, नेक्स्ट सम फिफ्थ सम की स्टेटमेंट पढ़ें सभी। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, द हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द स्टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विद द वाटर when the lid should each of the sphere of radius
0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flow out. Find the number of lead should drop in the vessel. क्या है आपके पास? एक कॉनिकल बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है। उस पानी में आपने कोई छोटे छोटे से बॉल कांच के डाल दिए, पानी उसका 1/4 जो पानी का बाहर हमने निकालने से नंबर ऑफ शूट्स जो आपने छोटे छोटे से बॉल डाले हैं, देख लिए हमने उसका इतने नंबर ऑफ बॉल्स। आप ध्यान से स्टेटमेंट खुद ही पढ़ें। Vincent, इसके अंदर बॉल्स डाल। जब हम किसी भी बर्तन पानी का भरा होता है तो पानी के अंदर जहां तक भरा, जब हम उसमें बॉल डाले, पानी बॉल अपनी स्पेस ले लेते हैं, वो पानी बाहर निकलता है। कहता इसका जो पानी है 1/4 बाहर निकला है। आपको इसका कौन का रेडियस कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। और हाइट, हाइट कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। और इसका ये छोटा इसका रेडियस दे रखा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इनको पहले कौन का वॉल्यूम निकाल लें। रेडियस ऑफ कौन, फाइव सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले हमारे ध्यान, 1/3 7 5 5 इंटू 8, सबको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। सबको मल्टीप्लाई, उसने कहा कि इतना था जो आपका वॉल्यूम जो कौन का इतना पानी आता, उसने कहा 1/4 पानी जो था वो बाहर निकलेगा। अब हम इसका 1/4 पानी का वॉल्यूम निकालेंगे। वाटर that flow out कितना था? 1/4 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जो अपने अंदर छोटी बॉल निकाली उसका रेडियस, ठीक है, रेडियस शोर 0.5, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। फेयर है ना, तो क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, तो कितना जगह इसका? 4/3 22/7 5/10 5/5 करके 5/10, तो
तो आपका आ जाएगा कटिंग कर दूंगी। कितना आया 11/23। नंबर ऑफ हिल्सुन डिवाइड करेंगे आप वाटर दैट फ्लोर आउट ठीक है वॉल्यूम जो आपने निकाला और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ ली कितना आएगा आपका 11/20 डिवाइड से करेंगे 11/20 कितना आ जाएगा 100। नंबर ऑफ लीड कितने आ गए 100 करें सभी। नंबर ऑफ लीड 100 जल्दी से करें। जल्दी से करें। जल्दी से असम की स्टेटमेंट पढ़ें। सेक्शन ए सॉलिड आयरन बॉल सेंट टू द सिलेंडर ऑफ हाइट 220 बेस 24 डायमीटर दे रखा आपको उसके ऊपर सिलेंडर द हाइट 60 एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। दो आपको सिलेंडर दे रखे हैं हो गया सबका बेटा के दो सिलेंडर है आपके पास एक इससे दोनों का आपने वॉल्यूम निकालना इसकी हाइट और डायमीटर आपको दे रखा है हाइट
220 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 24। ऊपर वाले की हाइट 16 और इसका रेडियस है आपके पास 8। दोनों का आपने अलग अलग से वॉल्यूम फाइनल करना है। वॉल्यूम का फार्मूला 1/πr²h। रेडियस ऑफ बेस सिलेंडर डायमीटर आपको दे रखा 24 ना, 24/2 12 सेंटीमीटर। हाइट 220 और रेडियस स्मॉल, हाइट 8 5 16। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर 5r²h। तो क्या आ जाएगा आपका 22/7 r 12 220। निकालो इसको, मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर πr²h 22 8 × 8 × 60। मल्टीप्लाई करो इनको, कितनी आ रही है आपको इसमें वैल्यू अगर दे रखी है। हाँ जी, पाई कितना क्या रखा उसने आपको, 3.14। तो वहां जहां पे आपने 3.14 ले लिया। अब आपने क्या करना है, इनमें दोनों का वॉल्यूम निकालना, टोटल वॉल्यूम। दोनों को प्लस कर देंगे, 3.14 12 220 प्लस दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम को प्लस कर दें, कॉमन, इनमें से कॉमन लेके भी कर सकते हो। ठीक है, 3.14 जो कॉमन ले ले, अंदर आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, 12 12 और 220 3 1 6 8 0 3 8 4 0 8 8 और 60, इनको आप प्लस करें, प्लस करके लिखे 3 5 5 2 0। तो आपका कितना आ जाएगा इनको, 1 1 5 3 2.8 सेंटीमीटर क्यूब। आगे आएगा वॉल्यूम ऑफ वन मास,
कितना दे रखा है आपको 8G और ये कितना आया 1 1 5 3 2.8। इससे मल्टीप्लाई कर दें (1 by 1 1 5 3 2.8 8 9 2 2 6) केजी। ठीक है, इनको अब हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा केजी में आंसर क्लियर। चलिए जल्दी से ठीक है, ये थे हमारे 30.2 के सम जो आपने जल्दी। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।